इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विटर मार्केटिंग के अंडर यूजिंग हैशटैग, कि आप हैशटैग्स को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और कैसे आप ढूंढ सकते हैं कि हैशटैग आपकी फील्ड के लिए या जिस बिजनेस कैटेगरी में आप हैं उस बिजनेस कैटेगरी में बेस्ट हैशटैग कौन सा है, राइट? तो अभी ये हमने अपना ट्विटर अकाउंट अभी खोला हुआ है जो हमने बनाया था इनिशियली, राइट? सो हैशटैग को यूज़ करने का तरीका जो है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी है हैशटैग के बारे में जो ट्विटर रिकमेंड करता है। नंबर वन, यू कैन नॉट ऐड स्पेसेस और पंक्चुएशन इन अ हैशटैग और इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो आपके हैशटैग में स्पेस नहीं हो सकता, पंक्चुएशन मार्क नहीं हो सकती, तो कितना भी लंबा हैशटैग है वो एक वर्ड होगा, राइट? नेक्स्ट इज, इफ यू ट्वीट विद अ हैशटैग ऑन अ पब्लिक अकाउंट, एनीवन हु डज अ सर्च फॉर दैट हैशटैग मे फाइंड योर ट्वीट। तो अगर आपने अपने अकाउंट से कोई ट्वीट की और उसमें कोई हैशटैग डाला है, तो अगर ट्विटर पर लोग उस हैशटैग को लेकर सर्च करते हैं तो आपकी ट्वीट मिल सकती है उनको। वी रिकमेंड यूजिंग नो मोर देन 2 हैशटैग्स पर ट्वीट एज बेस्ट प्रैक्टिस, बट यू मे यूज एज मेनी हैशटैग्स इन अ ट्वीट एज यू लाइक। सो बेसिकली ट्विटर इज सेइंग कि भैया हम 2 हैशटैग पर ट्वीट रिकमेंड करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप 2 यूज करो, लेकिन आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। बेसिकली 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है, आप उसमें जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप अ हैशटैग कीवर्ड इन द सर्च बार टू डिस्कवर कंटेंट एंड अकाउंट्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। बेसिकली आप ट्विटर में सर्च कर सकते हैं हैशटैग के थ्रू कंटेंट जो आपकी पसंद का है या यूजर जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं या जिनको आप सुनना चाहते हैं, आप उनकी बात देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, राइट? तो हैशटैग में क्या होता है, लोग जनरली हैशटैग को, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो हैशटैग फॉलो करते हैं। लेट्स से अगर मैं हैशटैग फाइनेंस अगर डालता हूं, हैशटैग फाइनेंस, तो यहां मुझे जो भी टॉप ट्वीट है वो दिखाई दे जाएंगी। अब ये टॉप ट्वीट है, अगर मुझे लेटेस्ट देखनी है मैं यहाँ लेटेस्ट पर क्लिक कर सकता हूँ। लेटेस्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए 58 सेकंड पहले ये ट्वीट हुई है, ये 1 मिनट पहले हुई है, ये भी 1 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले। तो मैं यहां पर रियल टाइम में देख सकता हूं कि भाई इस हैशटैग को या इस हैशटैग से रिलेटेड क्या पोस्ट या क्या ट्वीट किया जा रहा है, राइट? सिमिलरली अगर मैं अपनी ट्वीट में हैशटैग इंक्लूड करता हूं तो लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा जो हैशटैग सर्च कर रहे हैं वो मुझे सर्च कर पाएंगे, राइट? उनको मेरी ट्वीट दिखाई देने लगेगी, बेसिकली मेरी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूं कैसे यूज करना है। रेड वेरी नाइस ब्लॉग ऑन पर्सनल फाइनेंस हैशटैग। अब जब आप टाइप करना शुरू करेंगे ये आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर देगा कि उस कैटेगरी में क्या है। जैसे हमने पर्सनल फिना भी लिखा है तो पर्सनल फाइनेंस, राइट? ये हमने ऐड कर दिया हैशटैग फाइनेंस, ये 2 ऐड किए, इसको हमने ट्वीट कर दिया। अब अगर मैं सर्च करता हूं हैशटैग पर्सनल फाइनेंस, तो देखिए टॉप में मेरी पोस्ट नहीं है, बट अगर मैं लेटेस्ट में डालता हूं और 1 मिनट देखते हैं हम, तो ये देखिए लेटेस्ट में 13 सेकंड पहले ट्विटर पर पर्सनल फाइनेंस की ये एक पोस्ट हुई है। यानी कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी इस हैशटैग को यूज किया जाएगा तो कोई भी अगर सर्च करेगा ये वाली पोस्ट जो मैंने डाली है वो दिखने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको अपनी विजिबिलिटी, आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब आप इस हैशटैग को, जो भी आपकी कैटेगरी का हैशटैग है, जब आप उसे सर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा और कौन से हैशटैग है जो बहुत पॉपुलर हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हैशटैग पर्सनल फाइनेंस, हैशटैग वेल्थ, तो हमें पता है कि हैशटैग वेल्थ हमें एक मिल गया, राइट? हैशटैग म्यूचुअल फंड सही है, हैशटैग फाइनेंशियल फ्रीडम, हैशटैग फिनटेक, हैशटैग वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? हैशटैग सेविंग मनी, हैशटैग मनी, हैशटैग सेविंग, हैशटैग म्यूचुअल फंड सही है, हैशटैग इक्विटी मार्केट, हैशटैग निफ्टी,
हैशटैग डेट फ्री, राइट, तो डेट फ्री भी आपको एक पता चल गया। हैशटैग फ्राइडे फीलिंग, हैशटैग इन्वेस्टिंग, हैशटैग स्टॉक्स। तो यहां पर आप देखो, जब आप एक अपना कीवर्ड सर्च करते हो आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं फ्यूचर हैशटैग्स के लिए जो आप यूज कर सकते हो। तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई, एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ जो मेन इसका कारण है कि आप हैशटैग यूज करना चाहते हैं। दूसरी एक चीज और है कि आप हमेशा यहां पर राइट में जो आपके पैनल है यहां आपको दिखाई देगा कि कौन से वो हैशटैग हैं जो कि पॉपुलर है, राइट, जो इस समय हिट है, ओके, जिसको आप लोकेशन के हिसाब से भी ट्रेंड देख सकते हैं। जब आप यहां पर क्लिक करके फिर ट्रेंडिंग पे जाएंगे तो ट्रेंडिंग में आप यहां सेटिंग का बटन दबाइए, लोकेशन, और आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस लोकेशन में इस समय क्या पॉपुलर है। लेट्स से आई वांट टू सी कि भी कैलिफोर्निया में क्या पॉप इस समय चल रहा है। सो कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए, ओके, तो कैलिफोर्निया यूएसए में मुझे दिख रहा है कि भाई ये ट्रेंडिंग है इस समय, ओके, हैशटैग ओबामा गेट गेट, हैशटैग विजन फॉर जस्टिस, हैशटैग मे रिवाइज, हैशटैग आरआईपी अमेरिका। तो आप देख सकते हो कि किस लोकेशन में कौन सा हैशटैग पॉपुलर है, किस हैशटैग को आपको यूज करना है, हैशटैग कैसे यूज करना है, ये भी आपको पता चल गया। तो हैशटैग यूज करने से बेसिकली आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और ये बहुत सिंपल है इसको यूज करना। बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि स्पेस का यूज नहीं करना, पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करना है। दो अगर आप रखते हैं तो जो ट्विटर ने रिकमेंड किया है वो बेस्ट है, राइट, और हैशटैग से आप कंटेंट भी सर्च कर सकते हैं और हैशटैग से लोग आपका कंटेंट भी सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट,